हमारे देश भारत में एसयूवी गाड़ियां हमेशा ही डिमांड में रही हैं और कुछ एसयूवी गाड़ियों ने तो देश के लोगों को अपना दीवाना ही बना लिया। जब मैं आपसे एसयूवी के बारे में बात करता हूं तो मैं उन क्रॉसओवर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता जो भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी के नाम पर बेची जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लोगों के दिलों पर राज करने वाली टोयोटा की एसयूवी कार फॉर्च्यूनर के बारे में। ये वह गाड़ी है जिसने भारत के लोगों को बताया कि एसयूवी किसे कहते हैं। फॉर्च्यूनर की फर्स्ट जनरेशन को 2009 में लॉन्च किया गया था। ये वह टाइम था जब भारतीयों के पास एसयूवी सेगमेंट में ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे। आइए जानते हैं एसयूवी किंग फॉर्च्यूनर की शुरुआत कहां से हुई। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। जिस समय फॉर्च्यूनर को लॉन्च किया गया था तब टोयोटा के पास केवल दो कारें इनोवा और प्राडो ही थी। एक और कार थी जिसे मार्केट में लाने की जरूरत थी, वो थी फॉर्च्यूनर। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर को 18,40,000 रुपए की एक्सशोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था। उस वक्त टोयोटा फॉर्च्यूनर में एक ही वेरिएंट आता था 3.0 लीटर फोर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, जिसमें 168 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। इसमें 5 गियर आते थे 3.0 लीटर डीजल इंजन फोर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ में और भी ज्यादा पावरफुल लगता था। टोयोटा फॉर्च्यूनर को कंपनी के कर्नाटक प्लांट में मैन्युफैक्चर किया गया और काफी सारी यूनिट के रूप में बनाया गया था। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक बहुत बड़ी एसयूवी है। जो लोग टोयोटा प्राडो नहीं खरीद सकते थे उन्हीं लोगों को देखते हुए टोयोटा फॉर्च्यूनर को बनाया गया था। फॉर्च्यूनर में उस वक्त मिलने वाले कुछ फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो जैसे 2DIN ऑडियो सिस्टम विद CD प्लेयर, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर, डिजिटल मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, लेदर वार्प स्टीयरिंग व्हील, ऑप्टिमम स्टोरेज स्पेस, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाया करते थे। सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें उस वक्त ड्यूल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, सीट बेल्ट फॉर ऑल रोज, पार्किंग सेंसर, हाई माउंटेड LED टेल लैंप जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाया करते थे। माइलेज की बात करें तो इसमें हाईवे पर 13 km तक का माइलेज मिल जाया करता था। फर्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर का लुक काफी शानदार था। अब तक इसके पुराने वाले लुक को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है नए के मुकाबले। एक वाजिब कीमत और एक ऊंची और बड़े केबिन स्पेस ने इसे उस वक्त एक परफेक्ट एसयूवी बना दिया था। तो ये थी किंग ऑफ एसयूवी की स्टोरी। जानकारी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करने में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूंगा। आपका समय सुबह धन्यवाद।